ये आप ये धुआं दौड़ देख रहे हो ये चारों तरफ से, ये इसे प्रकार ये इसको जलाया जाता है, इस प्रकार ये जलाया जाता है और यहाँ जल के फिर ये मतलब इसमें उर्वरकता क्षमता इसकी बढ़ जाती है। क्या हो क्या रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। चारों तरफ इस प्रकार ये अग्नि आप देख रहे हो, ये अग्नि इस प्रकार ये जला के इनको और इनके उर्वरकता क्षमता बढ़ाते हैं और फिर ये जलने के बाद में जो पानी वगैरह डाल के और फिर यहाँ कपास वगैरह बोया जाएगा इसमें। ये पीछे भी आप देख सकते हो ये जला हुआ है, ये इस प्रकार इसको धान को खेतों में इस प्रकार ये जलाया जाता है, इससे क्या होती है कि फसल अच्छी होती है तो इसमें इसकी जो उर्वरकता क्षमता है वो ज़्यादा बढ़ती है, इसके कारण इसको यहाँ जलाया जाता है और जला के फिर इस पे दोबारा से खेती की जाती है। नहीं, मैं नहीं मानता। आप देख लो, आप देख सकते हो इस प्रकार ये जला के और फिर खेती करते हैं, तो ये भी हमें देखने को मिला। तो आगे आपको और भी कुछ दिखाया जाएगा जो हमें देखने को मिलता है। अब देखो ये धान में भी इसमें इसका फूस बनाया जाएगा और इसका वो चारा बनवा के और फिर उसके बाद में ना इसको फिर इसी तरह जला दिया जाएगा। जिस चीज का अपन जिक्र कर रहे थे वहाँ अपन पहुँच ही चुके हैं। आप देख सकते हो इस वक्त ये लैला मजनू कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। ये अनूपगढ़ आजकल है, पहले ये डिस्ट्रिक्ट नहीं था, आजकल डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। इस वक्त फिलहाल में लैला मजनू जहाँ लैला मजनू फिल्म बनी थी उसके गुरुद्वारे के पास में खड़ा हूँ और ये दास मान जी जो इनके एक्टर वगैरह थे उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। अब अंदर से आपको ये लैला मजनू का वो अंदर से दिखाते हैं आपको। ये ऊपर आप देख सकते हो ये है लैला मजनू की मज़ार जो ये इस प्रकार ये फिल्म बनाई हुई है और ये जो कि अपने वाहिनी सीमा सुरक्षा बल की 52वीं बटालियन थी जो ये राज सिंह नगर राजस्थान का है, आजकल ये अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो ये इस प्रकार ये फिल्म बनाई गई थी और अच्छे से फिल्म को मतलब अच्छे से बनाया गया था यहाँ और यहाँ ये अंदर इस प्रकार ये द्वारा है जो लैला मजनू की इस मज़ार का आप देख सकते हो। लैला मजार के जो समाधि स्थल है वहाँ अपन पहुँचे हैं ये, और ये इस प्रकार ये बनाया हुआ गुरुद्वारा है। ये लैला और मजनू दोनों यहाँ की जो नहर वगैरह थी उसमें तैरते हुए गग्गड़ नदी उसमें तैरते हुए यहाँ वहाँ से आई थी और यहाँ किसी के पंजाब का जो व्यक्ति था उसने उनको देखा और वहाँ यहाँ रोज़ दीपक वगैरह जलते थे और उसके कारण इनको ये यहाँ इनका समाधि स्थल बनाया गया था। तो आप देख सकते हो ये थी वो फिल्म गुरदास मान की जो लैला मजनू बनाई हुई थी। इस वक्त फ़िलहाल आप मेरे को भी देख सकते हो, मैं वहीं हूँ और ये मैंने साथ साथ आपको भी ये लैला मजनू की मज़ार मैंने दिखा दी है और ये बाहर की तरफ भी आप देख सकते हो इस प्रकार ये लैला मजनू की दीवार है जो यहाँ बनी हुई है। यहाँ BSF की सुरक्षा यहाँ लगी हुई होती है और यहाँ BSF के जवान भी कार्यरत होते हैं जिनके बैरिकेड वगैरह भी बने हुए हैं, वो अपन दिखा नहीं सकते। अब नीचे आग लग रही है और ऊपर आप इसके ऊपर देख सकते हो ये भट्टे के ऊपर ये धोनी वगैरह, इससे आगे अपन जा नहीं सकते और ये कच्ची ईंटें फैलाई हुई है यहाँ और इन पे ये जो अपने सरसों का उनका वो है वो डाला हुआ है और ये है ना जो ये ट्रक लगा हुआ है उसको बढ़ने के लिए ये मजदूर लगे हुए हैं। कितनी ज़्यादा धूप है उसके बावजूद भी ये लोग इन भट्टों में लगे रहते हैं और इनको पढ़ने का काम कर रहे हैं। तो भाई मेहनती आदमी है, ऐसे मेहनत करना देखो हमारे बस की बात तो नहीं है। बाकी आप भी देख सकते हो अब वहाँ से अपन बैठ के अपनी गाड़ी में और वहाँ से लैला मजनू की उस मज़ार को देख के वहाँ से अपन निकल चुके हैं। आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा जानकारी के लिए ये भाई साहब अपन को बताएंगे कि और यहाँ की क्या खासियत है। इनके बोलते हैं कि अखाड़े वगैरह भी लगते हैं तो क्या क्या लगते हैं वो इनसे बात वगैरह करते हैं अपन। यहाँ पे वार्षिक उत्सव वहाँ पे मनाया जाता है
तो उसमें कुश्ती, कबड्डी और पंजाबी अखाड़े गायक कलाकार आते हैं, वो सब रंगारंग प्रोग्राम होता है और लाइव टेलीकास्ट दिखाई जाती है। और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से बड़े बड़े पहलवान आते हैं कुश्ती के, अच्छी कुश्ती करवाई जाती है और अच्छी कबड्डी, अच्छे कबड्डी के मतलब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र कबड्डी का बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है, बहुत अच्छी लोगों की मानता है यहाँ पे। देख लो आपने लैला मजनू देख ली, कहाँ कहाँ से यहाँ जो भी खिलाड़ी गण आते हैं वो इसके मतलब यहाँ जो इनका वो बोलते हैं ना कि हरियाणा में अखाड़ा, इस प्रकार से यहाँ अखाड़ा लगता है और काफ़ी तादाद में यहाँ बड़े बड़े पहलवान यहाँ कुश्ती करके जाते हैं। तो चलो अच्छी बात है, ये भी हमें सुनने को मिला और देखने को मिला, आपको भी घर बैठे देखने को मिला। हाँ भाई, गुहुम गांव के अपन और अपनी रेलगाड़ी यानी अपनी गाड़ी के पास आ ही चुके हैं और अब थोड़ा सा आराम करेंगे क्योंकि हम काफ़ी थक चुके हैं। तो अब अपन को आराम करना है, हाँ तो पूरा दिन हो गया भाई, काफ़ी थकान सी महसूस हो रही है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।